मुल्क में कोरोना 83 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 1531 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 71,804 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स दोबारा ओपन। 40 से 50 साल के अफराद वैक्सीनेशन करा सकते हैं। लाहौर में 9 लाख, सूबे भर में 19 लाख लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी। शहरियों का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कोरोना की संगीन सूरत हाल। पंजाब में 23 मई तक तालीमी इदारे बंद। सिंध में तदरीसी अमल मुअत्तल। तालीमी इदारों को मुख्तसर अमला बुलाने की इजाजत। गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। सईद हन। इसराइल ने फलस्तीनियों पर जुर्म के पहाड़ गिरा दिए। गजा में क्यामत सुगरा। सिहूनी हमले जारी। शहादतों की तादाद 139 तक पहुंच गई। इमारतें मलबे का ढेर। हजारों खानदान बेघर। कई खानदान अक्वामे मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइल के हमलों पर हमास की जवाबी कार्रवाई। अश्कलोन में बड़े रॉकेट हमले में 7 हलाकतें। अरब आबादकारों और यहूदियों में झड़पें। 400 अफराद गिरफ्तार। फलस्तीन की सूरत हाल पर वजीर खारजा के आलमी रहनुमाओं से राबते। फलस्तीनी, सऊदी और अफगान हम मनसब को टेलीफोन। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहादतों पर दुख का इजहार। इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। लबनान में सरहद पर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। एहतजाज के दौरान सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग। 2 अफराद शहीद। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीरे खारजा वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। 17 मई को लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। अदालती हुक्म के बावजूद अपोजिशन लीडर को बैरून मुल्क रवानगी से रोका गया था। विद इन ए वीक टाइम जो है वो पीडीएम का सरबराही इजलास होगा। अगर पीपल्स पार्टी या यूसुफ रजा गिलानी साहब पीडीएम की सरबराही मीटिंग के सामने सीट को पेश कर दें तो इससे जो है ये मसला हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी के लिए यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा। राणा सनाउल्ला ने बड़ा मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने पर तनकीद। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए इस्तीफे, जलसे जुलूस और अदम एतमाद के ऑप्शन मौजूद हैं। लीगी रहनुमा। वज़ीरे आला पंजाब का मस्नूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सूबे भर में जखीरा अंदोजे के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। अशियाए जरूरिया की दस्तियाबी में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं। उस्मान बुज़दार। गुजरांवाला का घंटा घर खस्ता हाली का शिकार। अरसाए दराज से खराब घड़ियाल की मुरम्मत ना की जा सकी। तजावजात और कूड़े के ढेर से इमारत की खूबसूरती मांग। शहरियों का इकदाम का मुतालबा। कदीम दौर की ये याद ताज़ा करते थे घंटा घर, पर अफसोस गुजरांवाला के घंटा घर के साथ भी इंतजामिया ने, ज़िली इंतजामिया ने और सारे कदीमा ने सौतेली माँ जैसा सलूक किया है। घड़ियाँ भी ख़राब है और इसका देखकर नीचे आकर देख कितनी गंदगी पड़ी है। लोगों ने को घंटा घर ने गंदा घर बना लिया। तंजो मिजा का एक और बाब हमेशा के लिए बंद। हर दिल अजीज अंकल सरगम इंतकाल कर गए। सदर, वजीर आजम, अहम शख्सियात और शोबिज हलकों का इजहार अफसोस। फारूक कैसर को आला फनी खिदमात पर तमगा हुस्ने कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान का खदशा। हवा का कम दबाव कराची से 1000 किलोमीटर दूर। अगले 36 घंटे के दौरान डिप्रेशन में बदलने की पेशगोई। माहीगीरों को गहरे समुंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। 24 घंटे के दौरान मजीद 3,879 अफराद जान से गए।
3,26,000 से ज्यादा नए मरीज रिपोर्ट। इंडिया में मरीज अद्वियात और ऑक्सीजन की कमी के बायस मरने लगे। चीन का खलाई मिशन मरीख पर लैंड कर गया। चीन कामयाब खलाई मिशन भेजने वाला दूसरा मुल्क बन गया। खलाई मिशन पानी और जिंदगी के इम्कानात का जायजा लेगा। अस्सलामु अलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ ज़ैर अब्दुल सत्तार। मैं हूँ सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दे। जनूब मशरकी बहरा अरब में बनने वाले तूफान टॉपटे की सूरत हाल। समंदरी तूफान कराची के जनूब और जनूब मशरक से 1460 किलोमीटर के फासले पर है। 18 मई तक तूफान भारतीय गुजरात तक पहुंच जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के बायस गर्द आलू हवाएं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारी नुमाइंदा सालिहा फिरोज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सालिहा फिरोज खान, बताइए का महकमे मौसमियात की जानिब से अब तक क्या जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर जो है मुकम्मल तौर से साइक्लोन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्हीं का यही कहना है कि कराची के से 1460 किलोमीटर के फासले पर ये साइक्लोन जो है वो बन चुका है, जो कि अब जो है समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसका रुख जो है शुमाल मगरब यानी कि भारतीय गुजरात की तरफ है और भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी पर जो है वो हाई टाइड्स भी बनना शुरू हो गए हैं। कराची की साहिली पट्टी को फ़िलहाल किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन माहीगी को अलर्ट जारी किया है कि गहरे समंदर में ना जाए। आपको ये भी बताते चले कि जो माहीगीर शिकार की गर्ज से गहरे समंदर में गए थे उनसे सूती रबते भी कर लिए गए हैं, उनसे रबतों की कोशिश भी जारी है और उनको वापसी के लिए भी बुला रहे हैं, और जो माहीगीर शिकार के लिए निकल रहे थे उनको भी रोक दिया गया है। इसी हवाले से कराची की अगर बात करें मौसम की, तो कल और परसों जो है शहर कायद में हवा के कम दबाव के नतीजे में समंदरी हवाएं मुनक़ता रहेंगी, मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि सिंध में जो है ठट्टा बदीन थरपारकर हैदराबाद में गर्द आलूद हवाओं के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है। ये तेज़ तूफ़ानी बारिश होगी। 18 से 20 मई के दौरान जो है ये तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है और इसी दौरान जो है यानी कि 18 मई को ये तूफ़ान जो है भारतीय गुजरात तक पहुँच जाएगा। लिहाजा तूफ़ान जो है बहुत तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ रहा है, यानी कि शुमाल मगरब की सिंध जो है वो तूफ़ान बढ़ना शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन का यही कहना है कि फ़िलहाल कराची की साहिली पट्टी खतरे से बाहर है, लेकिन गहरे समंदर में जाने से माहीगीरों को जो है वो मना कर दिया गया है, उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवा के कम दबाव के नतीजे में कल और परसों जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत रह सकता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। समंदरी हवाएँ मुनक़ता रहेंगी, खुश्क हवाएँ चलेंगी, शदीद गर्मी की लपेट में दो रोज़ तक शहर कायद रह सकता है। अगर आज के मौसम की बात करें तो आज शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब है। हवा में नमी का तनासब 40% है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक बार फिर से आपको साइक्लोन के हवाले से बताएं कि 18 मई को यह भारतीय गुजरात से टकरा सकता है। ठीक है, महकमे मौसमियात का बताना है कि खतरे की कोई बात नहीं है। सालिहा फिरोज खान, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना से मजीद 83 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 24 घंटे के दौरान 1531 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की तादाद 8,74,751 हो गई है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के वार जारी, मौलिक वायरस मजीद 83 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मुल्क में अमवात की मजमू तादाद 19,467 हो गई। एनसीओसी के जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 1531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस का तनासब 5.06% रहा। 24 घंटे में 30,248 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1531 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क भर में अब तक सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,80,438 है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 8,74,551 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए,